दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे वाइकिंग्स ने रूस को बसाया था और किस तरह रूस में जार का शासन शुरू हुआ था। साथ ही आपको बताएंगे मंगोलों का रूस पर आक्रमण, ओटोमन्स के साथ रूस की जंग, अलास्का को अमेरिका को बेचने की रूस की मजबूरी और प्रथम विश्व युद्ध के समय शुरू हुई रूसी क्रांति का पूरा इतिहास। रूस आज सैन्य शक्ति के मामले में अमेरिका को टक्कर देता है। रूस के पास दुनिया के सबसे आधुनिक हथियार हैं और रूस की खुफिया एजेंसीज पूरी दुनिया की नाक में दम करके रखती हैं। अगर आज के रूस की बात करें तो इसका जन्म दुनिया के बड़े बड़े शक्तिशाली देशों के मुकाबले बहुत देर से हुआ है। दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन यानी USSR के पतन के बाद रूस एक स्वतंत्र देश बना था। वैसे सोवियत यूनियन का गठन 1923 में ही हो गया था। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद इससे कुछ छोटे छोटे देश बन गए, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से आज भी रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। वहीं अगर बात करें इसकी जनसंख्या की तो वो क्षेत्रफल के अनुपात में बहुत कम है। दोस्तों रूस में सबसे पहले लोगों के बसने की शुरुआत तब हुई जब एक वाइकिंग ने यहाँ केवन रस नाम का एक शहर बसाया। स्कैंडिनेविया से यूरोप के अलग अलग हिस्सों में फैल जाने वाले वाइकिंग्स ने बेलारूस, यूक्रेन और रूस के एक हिस्से पर जो शासन स्थापित किया था वो लगभग 400 सालों तक मजबूती से खड़ा रहा। नोवगोर्ड के प्रिंस ओलग, जिसे ओलग द प्रॉफिट भी कहा जाता है, उसने कीव को 882 में अपने कब्जे में ले लिया था और अपनी राजधानी को नोवगोर्ड से बदलकर कीव ले आया था। इस समय तक वाइकिंग्स थोर और ओडिन को ही मानते थे, लेकिन इसी डायनेस्टी के प्रिंस व्लादिमिर द ग्रेट ने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था। उधर दूसरी तरफ मंगोल पूरी दुनिया में अपना विस्तार करने में लगे थे। मंगोलों ने 1223 में बैटल ऑफ कल्का रिवर में सबसे पहले केविन रश पर कब्जे की कोशिश की। इसके बाद 1240 में बाटू खान के नेतृत्व में इस शहर पर कब्जा कर लिया। उन्होंने केविन रश और मॉस्को जैसे बहुत से शहरों को तहस नहस कर दिया। 1480 तक मंगोलों के गोल्डन होर्ड के खानों ने केविन रश पर राज किया। जब मंगोल रूस पर राज कर रहे थे तो इसी बीच मॉस्को में जन्म होता है एक वीर योद्धा का। इस वीर योद्धा का नाम था आइवन द ग्रेट, जिसे आइवन III भी कहा जाता है। जब इवान बहुत छोटा था तो उसके पिता को उनके चचेरे भाई ने बंदी बना लिया और उनकी आंखें निकाल ली। काफ़ी समय तक उसे छिप कर रहना पड़ा और बाद में 18 साल की उम्र में ही उसने टाटार्स के खिलाफ मिलिट्री अभियान की शुरुआत कर दी। इवान द ग्रेट ने रूस को मंगोलों से आज़ाद करवाया और रूस के ज़्यादातर हिस्से पर अधिकार कर लिया। अभी तक रूस पर शासन करने वाले राजाओं को जार नहीं कहा जाता था, पर अब रूस में एक जार आने वाला था जिसका नाम था इवान द टेरिबल। इवान द टेरिबल इवान III का पोता था, जिसने अपने राज्य का विस्तार तो सर्बिया तक कर लिया था, लेकिन एक ऐसे मिलिट्री राज की स्थापना भी की थी जिसमें सिर्फ आतंक ही आतंक था। कहा जाता है कि उसने एक चर्च का निर्माण करवाया जो बहुत खूबसूरत थी। वो आर्किटेक्ट इस तरह की और चर्च ना बनवा सके, इसलिए इवान ने उसकी आंखें निकलवा दी थी। ये भी कहा जाता है कि उसने अपने ही बेटे को किसी बात पर विवाद होने पर इतना मारा कि उसकी मृत्यु हो गई। पर कुछ लोग इन बातों को बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें भी कहते हैं। इवान द टेरिबल के शासन के बाद कुछ समय तक रूस में अशांति का माहौल रहा, जिसमें बाहरी आक्रमण और सिविल वॉर्स होती रही। इसके बाद रूस में उदय हुआ रोमानोव डायनेस्टी का, जिसने अगले 300 सालों तक रूस पर राज किया। मिखेल रोमानोव 16 वर्ष की आयु में इस राजवंश के पहले जार बने, जिन्हें लोकतांत्रिक तरीके से वहां की असेंबली ने चुना था। मिखेल I के बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन उन्हें रोमानोव डायनेस्टी को बनाने और रूस को मुश्किल समय में उबारने के कारण याद रखा जाता है। इसके बाद पीटर द ग्रेट का राज आता है, जिसने रूस की राजधानी को मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग स्थानांतरित किया। पीटर I को रूस के इतिहास में एक रिफॉर्मर के रूप में देखा जाता है। पीटर ने इंग्लैंड की यात्रा करके यूरोपियन कल्चर, शिप बिल्डिंग और नेविगेशन के बारे में जानकारियां इकट्ठी की। इसके बाद पीटर ने सबसे पहले रशियन नेवी का निर्माण करवाया। पीटर चाहते थे कि रशियंस भी यूरोपियंस की तरह से दिखें। इसके लिए पीटर ने रूस में बियर्ड टैक्स लगा दिया था, ताकि रशियंस बड़ी बड़ी दाढ़ी ना रख सकें, क्योंकि उस समय तक रशियंस बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा करते थे। लेकिन पीटर को अपने ही बेटे की हत्या के लिए भी जाना जाता है। भारत में जहां औरंगजेब जैसे मुगल शासकों ने अपने पिता को बंदी बनाकर रखा,
वहीं रूस के शासक ने अपने खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले अपने बेटे की हत्या करवा दी थी। इसके बाद रूस पर कैथरीन टू, जिन्हें कैथरीन द ग्रेट भी कहा जाता है, उन्होंने राज किया। कैथरीन सबसे लंबे समय तक रूस पर राज करने वाली महिला रूलर थी। रूस तरक्की के साथ साथ अपना विस्तार करने में भी लगा था, जिस कारण उसे क्रीमियन वॉर में जाना पड़ा, जहां उसकी हार हुई। उस वक्त रूस ने विस्तार करते हुए आज के रोमानिया पर अधिकार कर लिया था, जो कि उस समय तुर्किश यानी ओटोमन साम्राज्य के अधीन था। रूस और ओटोमन्स के बीच टेंशन्स बहुत बढ़ गई थी, जिसे रूस ने धार्मिक रंग दे दिया और कहा कि क्रिश्चियंस का सबसे पवित्र स्थान जेरूसलम ओटोमन के अधीन है। दोस्तों, जेरूसलम में ईसाई, मुस्लिम और यहूदी तीनों धर्मों के पवित्र स्थान हैं, जिन्हें लेकर हजारों सालों से जंग चल रही है। अगर आप जेरूसलम के इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। रूस और ओटोमन्स के बीच बढ़ते तनाव के कारण दोनों में युद्ध शुरू हो गया। बाद में ब्रिटेन और फ्रांस भी ओटोमन्स के साथ आ गए और रूस के विरुद्ध उन्होंने एक अलायंस बना लिया, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन भी रूस की विस्तारवादी नीति से डर गए थे। जिस तरह इस लड़ाई में मीडिया में रिपोर्टिंग हुई और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ, उसके लिए इसे मॉडर्न वॉर भी कहा जाता है। इस लड़ाई में रूस की हार हुई और ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ ये वॉर समाप्त हुई। क्रीमियन वॉर के बाद रूस कमजोर हुआ था, पर क्या रूस इतना कमजोर हो गया था कि उसे अपनी जमीन का एक हिस्सा अमेरिका को बेचना पड़ा? दोस्तों, रूस कमजोर हुआ था, पर अलास्का को बेचने की वजह पैसों की जरूरत नहीं थी, बल्कि जार अलेक्जेंडर टू को डर था कि अगर फिर से ब्रिटेन के साथ उनका युद्ध हुआ तो ब्रिटेन अलास्का को उनसे छीन लेगा। इसी डर की वजह से अलास्का को अलेक्जेंडर टू ने अमेरिका को बेच दिया। आज अलास्का अमेरिका के सबसे अमीर स्टेट्स में से है, क्योंकि वहां तेल और सोने के प्राकृतिक स्रोत हैं। पर 1867 में रूस ने सिर्फ $7.2 मिलियन में अलास्का को अमेरिका को बेच दिया था। अलेक्जेंडर टू की 1881 में रूस में क्रांतिकारी संगठन के लोगों ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद उसका बेटा अलेक्जेंडर III जार बना। रूस के इतिहास में इसके बाद जो बड़ी घटना हुई वो था प्रथम विश्व युद्ध। रूस ने इस युद्ध में दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी के साथ भाग लिया, लेकिन उनके पास हथियारों की कमी थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि एक तिहाई रूसी सैनिकों को राइफल्स तक इशू नहीं की गई थी। इस लड़ाई में रूस के जार ने 1915 में युद्ध की कमान अपने हाथ में ले ली थी। रूस के जार निकोलस टू को युद्ध लड़ने का ज़्यादा अनुभव नहीं था और इस लड़ाई में रूस की हार का जिम्मा भी उसके सर पर आ गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय में ही रूस में क्रांति हुई। लंबे समय से रूस के लोगों में अनरेस्ट बढ़ता जा रहा था और पहले विश्व युद्ध में ये अनरेस्ट पीक पर पहुंच गया। 1917 की क्रांति से पहले 1905 में भी क्रांति की लहर उठी थी, जिसका कारण था जार के द्वारा सैकड़ों निहत्थे प्रोटेस्टर्स को मरवाना। 1917 में 6-7 नवंबर को बोल्शेविक पार्टी के लीडर व्लादिमीर लेनिन ने रूस की प्रोविजनल सरकार का तख्ता पलट कर दिया। जार के लड़ाई में भाग लेने के बाद मार्च 1917 में ही वहां प्रोविजनल गवर्नमेंट का गठन हुआ था, जिसके बाद जार ने अपनी गद्दी छोड़ दी थी। लेनिन की यही बोल्शेविक पार्टी आगे चलकर कम्युनिस्ट पार्टी कहलाई। 1923 में लेनिन की रेड आर्मी की जीत हुई और रूस में सिविल वॉर का अंत हुआ, जिसके बाद सोवियत यूनियन का गठन हुआ। दोस्तों, ये था रूस का सोवियत यूनियन बनने तक का इतिहास। अगर आप इस वीडियो का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।